फ्रेंड्स फिर जो हम बात करने वाले हैं मोटर को अर्थिंग करने के बारे में। तो फ्रेंड्स कई लोगों का मिथ होता है कि अगर सिंगल फेज मोटर हो तो सिंगल अर्थ करेंगे, अगर थ्री फेज मोटर हो तो दो अर्थ प्रोवाइड करेंगे मोटर में। तो फ्रेंड्स इस मिथ को हम यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर करने वाले। तो चलिए फ्रेंड देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स होता क्या है कि कई लोगों ने ये सुना है या फिर कहीं भी पढ़ा भी होगा, कई वीडियोस में भी यहाँ पर देखने को आता है कि जो थ्री फेज मोटर हो वहाँ पर दो अर्थ प्रोवाइड करना है हमें, और सिंगल फेज मोटर है तो हमें सिंगल अर्थ प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में चलिए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स कि हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हम मोटर को अर्थ करते ही क्यों हैं। तो फ्रेंड्स क्या उद्देश्य है हमारा मोटर को अर्थ करने का यहाँ पर? तो उद्देश्य सिंपल है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स होता क्या है यहाँ पर कि अगर आप मोटर में अर्थिंग प्रोवाइड करते हो, यानी कि आप बॉडी को अर्थ प्रोवाइड करते हो, ये रहा फ्रेंड्स अर्थ पॉइंट। अब यहाँ हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बॉडी को अर्थ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अर्थ प्रोवाइड कर दिया बॉडी को। तो ये मान लीजिए ये सिंगल फेज मोटर है और हमने एक सिंगल अर्थ प्रोवाइड कर दिया है। तो इसमें होता क्या है, बॉडी को वायर के थ्रू हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। तो अगर किसी तरह का भी मोटर में फॉल्ट होता है, यानी कि मोटर में कोई भी वायर अगर बॉडी से टच होते हैं किसी तरह से भी, तो वो क्या होता है कि ये मोटर, ये बॉडी जो होता है अर्थ कनेक्टेड होने के कारण उसका जो पोटेंशियल होता है सीधे ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, इसमें उत्पन्न हुआ वोल्टेज जो आता है हमारे बॉडी में, तो ये क्या होता है, ग्राउंड हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको भी पता है कि करेंट जो होता है हमें शॉर्टेस्ट पाथ लेता है, तो फ्रेंड्स करेंट के लिए शॉर्टेस्ट पाथ हो जाता है और ये अंडरग्राउंड हो जाता है बॉडी अर्थ के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम अर्थ प्रोवाइड करते हैं। आप जब भी इस मोटर को टच करेंगे ओके, तो आपको ये शॉक फील नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स ये अर्थ प्रोवाइड नहीं करते हैं तो क्या होता है कि अगर आप इसे टच करने के मात्र से ही आपको शॉक फील हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये अर्थ वायर के जब आपका बॉडी अर्थ वायर के जरिए एक्ट करने लगेगा और आपका बॉडी के थ्रू जो भी करेंट होगा जो बॉडी में फॉल्ट के दौरान आ चुका है, तो वो क्या होगा, आपके बॉडी के थ्रू फ्लो होगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर अर्थ प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा अर्थ प्रोवाइड करने का उद्देश्य, बॉडी को अर्थ करने का उद्देश्य यही है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या सिंगल फेज मोटर में हम सिंगल अर्थ करना और क्या थ्री फेज मोटर में हमें टू अर्थ प्रोवाइड करना जरूरी है क्या? तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें एक रूल पर ध्यान देना होगा। रूल क्या कहता है फ्रेंड्स, हमारा रूल है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956। तो फ्रेंड्स ये है हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956, और इसमें रूल नंबर 61 में, फ्रेंड्स रूल नंबर 61 में ये कहा गया है कि अगर आपका जो भी इक्विपमेंट हो जो कि 125 वोल्ट से अबव हो, तो उसमें आपको दो अर्थ प्रोवाइड करने हैं फ्रेंड्स। यानी कि जैसे कि आपका जनरेटर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पे जहाँ पर जनरेटर होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, जो कि आपका अबव 125 वोल्ट पर वर्क करते हैं, आपके डोमेस्टिक हो या फिर इंडस्ट्रीज हो या फिर कहीं जनरेशन लाइन में हो या फिर कहीं भी हो, ठीक है, तो वहाँ जब 125 वोल्ट ओनली फ्रेंड्स, ठीक है, तो 125 वोल्ट से अगर अबव रहेगा तो हम आपको दो अर्थ प्रोवाइड करना है। ये 1956 में यहाँ पर मेंशन है फ्रेंड्स, आप नेट से चाहे तो आप देख सकते हैं, रूल नंबर 61 आप उठा कर देख सकते हो। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अगर आपको टू अर्थ प्रोवाइड करने का प्रोविज़न है तो वो 125 वोल्ट के अबव में है। ठीक है, अगर 125 वोल्ट से लो है आपका वोल्टेज सिस्टम तो आपको सिंगल अर्थ में वर्क करेगा फ्रेंड्स। तो ये क्लियर आप मान लीजिए। यहाँ पर कई लोगों का कहना होता है कि सिंगल फेज मोटर जो है वहाँ पर सिंगल अर्थ देते हैं और थ्री फेज मोटर को डबल अर्थ करते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है कि रूल में यहाँ पर क्लियरली मेंशन है 125 वोल्ट से अबव होने पर आपको डबल अर्थ ही करना है। सिंगल फेज मोटर भी को 230 वोल्ट होता है, ठीक है, थ्री फेज जो होता है वहाँ पर आपको 415 वोल्ट होता है। ठीक है, 230 वोल्ट आप देख सकते हैं सिंगल फेज मोटर लेता है, और आप देख रहे हो 125 वोल्ट अबव पर आपको डबल अर्थ करना नेसेसरी है, कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक सिंगल फेज मोटर 230 वोल्ट ले रहा है, यानी कि आप इसमें कोई भी सिंगल फेज मोटर हो आप यहाँ पर 230 वोल्ट ही आपको मिलेगा, और ये 230 वोल्ट जो है 125 वोल्ट से अबव है, यानी कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन हो रहा है कि यहाँ पर आपको डबल अर्थ प्रोवाइड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से फ्रेंड। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, डबल अर्थ प्रोवाइड कर दिए हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं ये हो गया E1 और ये हो गया E2, ठीक है, अर्थ 1 और 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमने अर्थ डबल अर्थ प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि ये सिंगल फेज मोटर है तो यहाँ पर 230 वोल्ट अबव है 125 वोल्ट से, इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पर डबल अर्थ देंगे। 415 वोल्ट भी है जो कि 125 वोल्ट से अबव है, इसलिए यहाँ पर डबल अर्थ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, ये दो अर्थ हैं, ये दो अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस आप कह सकते हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस जो है
मिनिमम 5 मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी रूल है 1956 एक्ट में, रूल नंबर 61 जो है, यहाँ पर आपको ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि ये 5 मीटर होना चाहिए दो अर्थ के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 230 वोल्ट भी दे रहे हैं और ये किसी तरह से फॉल्ट कंडीशन में आ करके आपके लाइव वायर जो है इस बॉडी में, मोटर के बॉडी में जब टच होता है, तो ऑब्वियस यहाँ पर फॉल्ट करंट फ्लो होगा जो कि अर्थ 1 या अर्थ 2 से होकर चला जाएगा। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अर्थ को आपस में कनेक्ट करना है। अर्थ को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ग्रिड सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक वायर प्रोवाइड करना है इन दोनों के बीच, कुछ इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा आपस में, तो इसे कहते हैं फ्रेंड्स ग्रिड सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है, आपस में कनेक्ट हो गया ये वायर इन, यहाँ पर तो ये बॉडी में कनेक्टेड है बट यहाँ से भी ये कनेक्टेड हो गया है, इस कारण से यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो वायर का रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम जो होना चाहिए 1 ओम होना चाहिए, 1 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसी तरह यहाँ पर भी यहाँ इस वायर, इस पॉइंट से लेकर इस अर्थ पॉइंट तक का जो वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो भी 1 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड्स ग्रिड सिस्टम में आप इसे कनेक्ट करेंगे तो आपको भी पता है कि रेजिस्टेंस वैल्यू घट जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, मान लीजिए इसके वैल्यू है 1 ओम, ओके फ्रेंड्स, इसकी भी वैल्यू है 1 ओम, इस वायर की वैल्यू बता रहा हूँ, ग्रीन वायर आप जैसे देख पा रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स अर्थ को जो है ग्रीन से ही डिनोट करते हैं, हम ग्रीन वायर ही लिए हैं, तो ये दोनों 1 ओम है और ये दोनों जब पैरेलली कनेक्ट हो जा रहा है, यानी कि आपको रेजिस्टेंस की तरह मान लीजिए जो कि ये रेजिस्टेंस है आपका एक और दूसरा रेजिस्टेंस है ये, जो कि आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो जा रहा था, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये 1 है और ये 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, आर्टिकल टू 1/2 हो जाएगा। तो यही मैं बात कर रहा था, इसका रेजिस्टेंस भी घट जाता है इसी तरह से, अगर आप सिंगल अर्थ प्रोवाइड करते हैं तो ये इसका मैक्सिमम 1 ओम होना चाहिए, अगर आप डबल अर्थ प्रोवाइड करते हैं यानी कि 1.1/2 ओम इसका रेजिस्टेंस रह जाता है उस केस में, ठीक है। और डबल अर्थ को प्रोवाइड करना जरूरी हो जाती है फ्रेंड्स, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट रूल नंबर 1956 में और रूल 61 में यही बताया गया है कि आपको अगर 125 वोल्ट से अबव रहेगा तो उस केस में आपको डबल अर्थ प्रोवाइड करना है, चाहे वो सिंगल फेज मोटर हो चाहे वो 3 फेज मोटर, अगर आपको 125 वोल्ट से लो रहता है तो आप सिंगल अर्थ ही देना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स है, ये कुछ नियम है, तो आप चाहे तो इन चीज़ों को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स कई लोगों का जो मिथ होता है इसे आप गलत साबित कर सकते हैं कि ये गलत है, एक्चुअली ये नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा वीडियो जो कि आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है फ्रेंड्स आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इन चीज़ों को आप रख लीजिए याद। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इस वीडियो कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर, ओके फ्रेंड्स। और आप चाहे तो हमारे साथ इंस्टाग्राम और फिर टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। अभी तक लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।